अध्याय 15। ब्रह्म मुहूर्त मां जागिने काली स्नान ने ध्यान सदगुरु सन्मुख आवियो शिष्य निरंजन जान गुरु पद पंकज वंदिने कर जितनी जशुदा जिज्ञासा वृत्ति धरी बैठो सामे प्रभु हृदय भक्ति भरपूर ने नयन चलके ने वंदन करी प्रार्थी रयो अलख गुरु ने एह जय जय सतगुरु अलख है ज्ञान दान देना ज्ञान प्रकाशे शीशनु अग्नति मिर हरना दुख का खातो तो प्रभु आग्न कोप मोझार ज्ञान रसी पकड़ा ने मुझने काढ़ो बार शीरते जन्म सेवा करूं बड़े न बदलो लगा सर्वदान मां श्रेष्ठ जे ज्ञान तनु दान ज्ञान दान वाहियो धन धन दानी महान रंग कथा मृत दिव्य प्रवाह अनंत आगल वहां वो है प्रभु सांभळू धरिखन भाव भक्ति तुझवा प्रश्ने प्रश्ने ताहरा बद तो मुझ उत्साह तुझ शोश्रोता क्षण तारा आ अवतार जगोधार कारण घर न बंधन तोड़ी ने ले तू वन निवाट संसारी संतप्त सो जोई रया तुझ सदगुरु के रो साध आ सुनता पांडुरंग एकदम
उभा थया स्मरता गुरु अभंग आव्या माजी पास ने उभा जोड़ी हाथ विनम्र पण मक्कम स्वरे वदे नमावी मात मुझने साध करी रया मा मारा गुरु राय धेते आज्ञा आशीषो आपो वड़ी विदाय सुनता शब्दो पुत्र ना चमक्या रुक मामात एकाएक थयो अरे हये वज्राघात नयने नीरवही रहू बोलन निकले मुख एक मुड तक्षण थई गया अंतर उमट्यू दुख पांडु रंग प्रेम थी बोले मधुर वचन माजी केम भूलिया तमे तमारु पूर्व वचन निज अभ्यास पूरो करे नानो नारायण नौकरिये लाग्या पछी मान प्रयाण क्षण वचन तमारु माजिए याद करो आवार दो आज्ञा मुझने हवे गम तो ना संसार पूर्ण थयो अभ्यास हा नारायण ने एम मड़ी गई छे नौकरी थयू सगड़ु क्षेम पाटे मुझने दो हवे आज्ञा माजी आप जेथी भजी भगवान ने दूर करूं संताप वज्रघात सम लागियो माने एक एक शब्द शू कहवू ते सूद नथी बैठा बनी ने स्तब्ध जानी स्थिति मातनी पांडुरंग वर देह धीमे थी माने कहे राखी नयने नेह माजी केम मुगा थई बैठा आनी वार मारू मन समझवा करो प्रयत्न लगार जानू छू तम भावने समझू छू तब प्रेम पण लाचारी माहरी कथी शकू हूँ केम जन्म थयो छे माहरो कोई अगम्य काज अगम्य शक्ति ए मने खेची रही छे आज माटे घर माना रहूं लोक जुवे छे वाट मारू अहिनू आववू जग कल्याण ने माट माटे जावा दो मने ना लगाड़ो वार माजी तम आशीष थी थाशे बेड़ो पार ठलका ताने ने तदा बोलिया रुक मामात तुझ शब्दो ए मुझ पर करियो छे वज्राघात मुशु बोलू दीकरा वाणी बुद्धि मन मारा कुंठित थई गया सुनी तारा वचन शीरी देख मा अरे निज दिकरा ने घर छोड़ी साधु थवा आज्ञा आपे ते माटे पांडु रंग तू घर मा रहिने आय जप तप साधन कर बदू बाहर जैशन ज्ञाय तारा ध्यान समाधि मा नहीं करिए विक्षेप तू तारे घर मा रहे सदा रही निर्लेप मारी समक्ष तू रही कर अहिया साधन मुझ है ये टाढक रहे थायन ऊंचू मान सुनी वचन माता तना बोले हास्य वदन पांडु रंग माने कहे केवा नम्र वचन
माजी घर मा रही कदी ध्यान योग न थाय आसक्ति नी जाड़ मा अचूक पसाई जवाय भले करो चतुराई पण काजल नो दाग तो अचूक लागे माई माटे जावानी मने आज्ञा आपो आज जेती मारा जन्म नु सफल करूं हूं काज मानी आँखों थी वही गंगा जमना धार जोता पांडु रंग त्या बोलिया करी विचार मातू ममत्व छोड़ी ने धारी है ये धीर शांति थी विचार जो क्षणिक के वो शरीर एने जाता वारशी जड़ पर पोटा जेम काया वासन काचनु क्षण मा फूटे ते माटे तेनो मोहशो करवा दे सत्कार्य आखर प्राणी मात्र ने मृत्यु छे अनिवार्य क्षण भंगुर आदि हथी जे कई परहित थाय सत्वर ते करी नाखवू वणस्ता पहला काय ज्यारे थई बीमारी हूँ हतो पथारी माय गंभीर हती इमादगी आशा हती न क्याय मरणोन्मुख स्थिति हती छेल्ला हता श्वास हाथ पग निर्बल अने नाड़ी खेचे कास त्यारे कोणे आविने जाल्यो मारो हाथ सामे जय यमराजनी कोणे भीड़ी बात जी शक्ति ये मां मने यमना द्वार थी जान पाछो हिला भी दिधो ते करशे मुझ त्राण माटे चिंता छोड़ी ने आज्ञा आपो मात जेथी मारा जन्म ने सफल करूं साक्षात क्षण भर माथम भी गया सुनी बोध वचन विचार मा पल भर पड़ा हड़बु थयो कई मन पण त्या तो पांडु रंगनी सामे जोता एम झरणु हा वात्सल्यनु फरी उभरायु तेम उभराता वात्सल्यना झरणा मा विराम बोध वचन दिकरा तणा वही गया तमाम गद गद कंठे बोलिया पोते रुक मा मात दिकरा तू जावा तणी करीशन हावा वात तू तो मारी आँखनी की दिकरा मान तू भी ना हूँ आंधड़ी ठोकर खाती जान भर यौवन मा पति गया कर विधवा अनाथ किंतु बे दिकरा तणी बेलड़ी नो ले साथ जीवन प्रवाह वहावियो कंकर काटा माय मोटा थाता दीकरा मानी मझानी छाय ताटक कई है ये बड़ी क्या तो दिकरा आज तू आवी सामे खड़ो मुझने छोड़वा काज पारा घड़ पड़नी अरे छे लाकड़ी जान तू जाता फसड़ाई हूँ पड़ीश गर्त ममान माटे मुझने छोड़ी ने ना चश्मारा लाल तू जाता था शे अरे घर ना बुरा हाल एम कही मुगा थया भये दुख पार सिंहण समस्वा बन्याला चार
तेरी माँ जी जानी ने पांडुरंग त्या जान हिम्मत माने आप ता बोले मधुरी बाण માતાઓએ અહીં દીકરા પાસે આમ કરાવવું હોય જો કઈ જગ કલ્યાણનું કામ તે માતાઓએ આહા પુત્રોના બલિદાન આપવા પડશે પછી જ થાશે જગ કલ્યાણ જે જે મહાપુરુષો થયા આ દુનિયામાં આમ જેમણે જન્મી જગતમાં અમર કર્યા છે નામ તે પુરુષોના કાર્યમાં જો કોઈ મોટો ભાગ હોય તો તે છે એમની માતાઓનો ત્યાગ જગમાં જે કઈ કાર્ય જો મહાન થયા અતાગ તેની પાછળ છે આહા માતાઓનો ત્યાગ રામચંદ્ર ભગવાન થઈ જગમાં આજ પૂજાય તેની પાછળ દેખ તું માનો ત્યાગ ડોકાય યુગ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ જે યુગ યુગ થી પૂજાય તેની પાછળ માતનો ત્યાગ જ જો દેખાય કૌશલ્યાએ રામને વનમાં જવાની આમ આજ્ઞા આપી હોત ના કોણ ઓળખત રામ માં કૌશલ્યાએ કદી પ્રેમ પિંજર માય પૂર્યા હોત શ્રી રામને કો નામ જાણત માય આજે રામ પ્રભુ જે ઘર ઘર પૂજાય એની રામાયણ આહા જે ઘર ઘર વંચાય એની પાછળ હોય જો કોઈ બળ મહાભાગ તો જાણી લેજો એક છે કૌશલ્યાનો ત્યાગ માનો પ્રેમ મહાન છે માનો ત્યાગ મહાન માથી મોટું વિશ્વમાં નાચે બીજુવાન યુગ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો કે તૂત માએ ત્યાગ કર્યો આહા બચાવવાની જ સૂત જો મા દેવ કીએ તદા શ્રી કૃષ્ણને મમત્વથી આસક્ત થઈ વસુદેવ ને તેમ જો ના આપ્યા હોત તો આજે ઘર ઘર માય બાલક નૈયા કૃષ્ણની પૂજા ન હોતી ક્યાય યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જે ગીતા ના ગાનાર ભારત ના ભડવીર જે સ્વભક્ત તારણ આજે એમની હોત ના હસ્તી ક્યાંય લગાર કોઈ ન જાણત કૃષ્ણને હતા કોણ કોવાર શ્રી કૃષ્ણે જે જે કર્યા કાર્ય અહીંયા મહાન તેની પાછળ દેવકી કરતા જો બલિદાન નિજ દીકરાના હાથથી જો જગનું કલ્યાણ કરાવું હોય માતને તો તું સાચું જાણ વાત્સલ્ય કેરા ભાવ પર નિજ દીકરા ના જાણ ધારી હૈયે હામ જો મુકવો પડશે પાણ મહાન કાર્યો માત હે માગે ત્યાગ મહાન દીકરાઓ દીધા વિના થાય ન જગ કલ્યાણ જગ કલ્યાણ દે આજ્ઞા આશીષ તું જેથી કરું પ્રયાણ સુણ
सुनता वचनो सूतना रुक्मा बानी माय सुतेली सिंहण फरी जागृत थई ए त्याय खंखेरी सहु शोक ने दूर करी विषाद मुख मल गावी बोलिया सुतने देता दाद धन धन छे मुझ दीकरा धन धन छे तुझ वाण सप्त कोण दीपाविया धन धन मारा प्राण एम कही ने अरबता आशीष रुक मामा शिर पर हास्त जाओ मारा दीकरा करवा जग कल्याण मारा आशीर्वाद ने छे आज्ञा प्रमाण पांडु रंगे मुकियो माने चरण शीश माए हयो थालवी दीधा छे आशीष हे ते लीधा मातना आज्ञा आशीष ज्याय चरण रज मानी लई मुकी माथे त्याय माता रो आभार हूँ व्यक्त करू शीरीत जग मा जोटो ना मळे धन जननी तुझ प्रीत जग नो सघड़ो प्रेम हा भेगो करीने आय एकज अक्षर मा कदी व्यक्त करवो होय तो ते अक्षर माज छे बीजो कोई नान माते माँ बसना बीजी जग मा उपमा जान मानू ऋण कदी को थकी चुकव्यू ना चुकवाय माँ तो गंगा स्नेहनी सदाय बहती जाय माँ प्रेमा भी विशे भरती पण नहीं ओट माना प्रेमे सर्वदा लाभ लाभ नहीं खोट ओ माँ मारा देहनी उतारी चामड़ी आज बनावरा वू पगर खां माँ तुझ चरणों काज चरण माँ तो ए मारी माँ एक वखत पै पान नो बदलो ना वड़िया कद कद थई बोली रया पांडु रंग ते वार सुनता मानी आँख थी वहे अश्रु निधार उठाड़ी निज लाल ने चापी हैया साथ मारुक माए मस्तके मुख्यो हाथ चरणों ऊपर माजिना मुकी ने निज हस्त बोल्या पांडु रंग त्या सुनो रुक्मा मात मातम दर्शन कारणे वरस मा एक वार आवी ने उभो रहीश अचूक तमारे द्वार त्राण दिवस प्रेमे रहीश साथ तमारी मात इच्छा तमारा हाथ नी लईश हूँ साक्षात मारा स्वास्थ्य तनावड़ी प्रति महीने एक वार पत्र लखी ने आपने आपीश समाचार हैया ना उड़ान थी सत्य कहूँ एक बात मन मानो धीरा कजो भूलशो ना कदी मात ज्यारे ज्यारे माँ मने याद करशो खास तीज क्षणे आवीने उभो रहिश तम पास मानु उरटाडू थयु परम थयो संतोष दूर थयु दुख दीलनु दूर थयो आक्रोश पांडु रंगे ते पछी नारायण ने आम बोलावी ने कही आहा मन नी बात तमाम
सौंपण की धी मातनी सेवा करवा त्याय जो जे माने माहरी खोट न साले क्याय कहीने भ्रात ने समझाव्यो भली भात मात भ्रातनी साथ हा छेली की धी बात फरी फरी ने मात ने छेला करी प्रणाम पांडुरंग निकली पड़ा माया त्यजी तमाम जग कल्याणार्थे अहा जैनु आही अवतरण थयू हतू तेणे कर्यू महाभिनिष्क्रमण छोड़िया माता भात ने छोड़िया घर ने बार सगा सहोदर सहु त्यज्या छोड़ियो आ संसार कायानी माया त्यजी त्यज्या द्वेष ने क्लेश जग छोड़ियू जग कारणे धर्यो जोगी वेश तोड़ी नाखी महल नी दीवालो दीवार खड़ा जई मैदान मा छोड़ी हूँ तू द्वार नीचे धरती विशाल ने ऊपर नील गगन काम क्रोध ने बाड़ी ने भस्म लगावी तान जरियन जामा फाड़ी ने उभा दिगंबर छेक धारी संयम थी यहा फक्त लंगोटी एक वासना भूत भगाड़वा हस्ते धार्यो दंड जल कमंडल धारी ने शमव्या ताप प्रचंड खट खट करती पादुका चरणे धारी सुचित्र प्रवृत्ति निवृत्ति तनो टाड़े भेद विचित्र काम क्रोध मद मोहना मर्दा बढ़ता जाय एवा चित्त स्मशान मा स्थित थया क्षण माय वर्षो थी पुरायलु पक्षी पिंजर माय खुलता द्वार पिंजर तनु मुक्त थई जाए मुक्ति नो आनंद जे पक्षी उर्मा थाय ते आनंद अकथ्य छे अनुभवे ज समझाय अनंत ए आकाश मा मुक्त करी निज मन उड़वाना आनंद नु अशक्य छे वर्णन तेम मोह पिंजर थकी मुक्त थई ने आम पांडुरंग महली रया स्वैर धाम निष्काम मुक्ति नो आनंद उर्माति उभराय छल छल बाहर वही जता पद्य रचना था आज काता हैया तनो तृप्ति नो उद्गार पावन करवा पति तने वही रह्यो हा बहार मुक्ति की
गाता गाता मोद थी स्वैर विहारे आम जाता आव्यो याद त्या मित्र अमृत नाम स्वराज नाश्रम तणो साथी अमृत लाल तेने जणाव वालख्यू केवा छे निज हाल वणिक ए नडियाद नो पांडुरंग नो मित्र सात्विक भाविक भक्त ने हयु सदा पवित्र आसन प्राणायाम हा पांडुरंग निपास शीखी ने तप आचरे मन शुद्ध्यर्थे खास शमन दमन निग्रह अने राखे तितिक्षा आम तेती श्री ए मनु राख्यू तपसी नाम मोदी अमृत लाल नो जोई आव्या संग तपसी कही संबोधता स्वयं पांडुरंग निज मुक्ति ना मोद थी निज मित्र ने एम वंचित ना राखी शक्या पांडुरंग जी तेम लख्यो मोदी ने तुरत निज हैया ना भाव जे कर्या पत्र पर मूर्त तपसी छोड़ दिया संसार जैसी सो कर वेष्टा निज हैया ना भाव ब्रह्मानंदनी छोड़नो एने लेवालाव त्यांथी चाली आविया पास मझाना वृक्ष नीचे आसन पाथरी बिराजा त्यां त्याग तणानंदनी अही छोड़ो उभराय ए मस्ती मा मस्त थई पांडुरंग अही गाय धरती का तो बना सिंहासन छत बादल तरु फैला छत बादल तरु फैला मारुत मंदा चमर डुलावे बैठे बादशाह रंग अजब दिखावे पिया के दीदार पाए पिया के दीदार पाए भई मतवा चिंता छोड़ी सर्वनी थैने बेपरवाह निज मस्ती मा मस्त ते सात शाह नो शाह छाय नीचे
करवा अंतिम साधना, कोई एकांत स्थल मळी जाए तो त्या जई बेसी जाऊं निश्चल। साधक योगी तपस्वी ने साहस विरजे पण, हिमाचल गिरिराज नु भलू छे आकर्षण। संतो ने साधक तणु पियर हिमालय जान, त्याथी पाछू आवु गमे न कोई ने मान। पांडुरंगे पण कर्यो विचार मन नी माय, अंतिम साधना मा हरे करवी हिमालय माय। हिमाच्छादित शिखरो झरना निर्मल नीर, शांति ना साम्राज्य मा करू तपस्या धीर। जे स्थाने पहुंच्या पछी पाछू फरवा मन, थाय न ते तू स्थान ने जान प्रभु नु सदन। हिमालय ना को स्थले शोधी ने एकांत, अनुष्ठान ने आदरू करवा मन ने शांत। त्या तो पांडुरंग ने आव्यो एक विचार, सानिध्य को शोधी ने संत तणु आवार। निश्रामा ए संतनी करियू होय साधन, तो सिद्ध तणा सानिध्य थी मळे मार्गदर्शन। चेला कोई संतनी छाया मा रहिए, अनुष्ठान जो आदरू तो थाए मारू क्षेम। एटल एवा संतनी करवा लाग्या तपास, त्या तो याद आवी गयू दिव्य नाम एक खास। साई खेड़ा संत ए साक्षात्कारी महा, ताती विद्यमान। त्यागी ज्ञानी ने बड़ी ब्रह्मानंदे मस्त, निरासक्त निर्मम अने न ए माया मस्त। धख धखती धूनी कने स्वैर मोज मारत, सदा दिगंबर रूप मा रहता है अविरत। आर्तने अर्थार्थियो आवे थोके थोक, जिग्ना सुने ज्ञानी पण जता हता तिहा कोक। धूणी धिखती राखता अंदर बाहिर आम, धूणी वाला बाबा पढ़्यू हतु शुभ नाम। जे कई भक्तो लावता फल फूल वस्त्र के दाम, स्वाहा कई धूणी मही नाखी दे तमाम। निस्प्रूही अल मस्त ने निर्मम संत निपास, जैने रहवानी करी पांडु रंगे आश। धूनी वाला बाबानी आवी गई जा याद, अलख जी मुगा थया बंध थयो संवाद। बंध थयो संवाद ज्या जाग्यो शिष्य करिया, अरे बंध प्रभु का करियो वह तो दिव्य प्रवाह। स्मरण खाताए सिद्धनु दिव्य समाधि माय, अलख जी डूबी गया विरमी वैखर न्याय। बैठो बालक दिंग मूड रंग चरण नी पास, थंभी एनी कलम गई आश भई निराश। इति श्री रंग पादार विंद मिलिंद चुनीलाल बाल गोविंदोपाध्याय रचिते श्री रंग लीलामृते अलख निरंजन संवादे महाभिनिष्क्रमणम नाम पंचदशोऽध्यायः।